आज की क्लास में हम हार्डवेयर डिवाइस में आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कंप्यूटर में आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। आउटपुट डिवाइस को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। दोनों में बेसिकली अंतर ये होता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है वो परमानेंट होती है। यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्रिंटर इत्यादि। इसके अलावा भी कुछ और आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, जैसे बारकोड प्रिंटर, QR कोड प्रिंटर आदि भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जब कोई इनपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास दो तरीके की होती है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में बेसिकली हमने पॉइंटिंग डिवाइस और कीबोर्ड के बारे में हमने देखा है, जो माउस और कीबोर्ड कहलाते हैं। कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, DVD ड्राइव, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे स्कैनर जो है वो इमेज को इनपुट लेता है, DVD ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की बात की जाए तो कंप्यूटर में हम देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनके बीच में तालमेल बैठाता है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है वो कुछ स्टेप्स में होती है। इनपुट दिया जाता है यूज़र से, जो इनपुट डिवाइस का काम होता है, फिर इनपुट डिवाइस उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को दे देती है। CPU उसमें प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूज़र को आउटपुट अपना दे देता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और CPU का योगदान कुछ निम्न प्रकार से होता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में। आगे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग जो है वो दो प्रकार से उपलब्ध होती है, यानी कि कंप्यूटर में दो प्रकार की बूटिंग्स होती है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद करीब एक से दो मिनट वो स्टार्ट करने में लेता है। इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो बूटिंग कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बूटिंग इज़ ए प्रोसेस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या है, तो बूटिंग एक स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है कंप्यूटर को। इस प्रोसेस में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है, जो प्रोग्राम है, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर लोड होता है। इसमें कुछ समय भी लगता है, एक से दो मिनट का समय इसमें लग सकता है। बूटिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, आइए इनके बारे में देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बूटिंग जो है हम कराने के लिए हमारे पास बूटेबल या तो डिस्क होनी चाहिए, या बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है तो उसका मैकेनिज्म अलग होता है, अगर बूटेबल CD है तो उसकी मैकेनिज्म अलग होता है, और अगर आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है उसमें बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं बूटिंग के टाइप्स, कितने टाइप की बूटिंग है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बूटिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो दो टाइप की बूटिंग होती है और दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों बूटिंग्स के बारे में डिटेल दी है, इसको हम समझते हैं। कोल्ड बूटिंग उस कंप्यूटर के स्टार्ट होने की उस प्रोसेस को कहते हैं जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद होता है और कंप्यूटर का पावर बटन दबा करके हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर जब बूट करता है तो हम उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। दूसरी एक कंडीशन और होती है जिसमें हम कंप्यूटर बीच में हैंग हो जाता है, अगर कंप्यूटर बीच में हैंग हो जाए तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे अनकंडीशनली रीस्टार्ट करने से या रीबूट करने से या फिर रीस्टार्ट बटन दबाने से इस समय जो बूटिंग होती है इसको हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर तुरंत
अपने डेटा को बिना सेव किए रीस्टार्ट होता है और पुराने डेटा को चेक भी करता है कि वो डेटा जो है करप्ट तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बूटिंग जो है दो टाइप की उपलब्ध होती है। इसके बाद कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर्स तैयार करते हैं, कंप्यूटर का जो आधा हिस्सा जो हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट उसमें लॉजिकल सारी चीज़ें लिखी होती हैं, इनको तैयार करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी दो तीन टाइप की होती हैं, आइए उनके बारे में भी हम समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट होता है जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर को कई निर्देश देते हैं, उनको सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में जमा करके हम कंप्यूटर को उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं, ऐसे बंच ऑफ कोड को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस को समझता है उन लैंग्वेजेस को हम तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पहला है मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, असेंबली लैंग्वेज जिसको हमें कन्वर्ट करके समझाना होता है, और तीसरा आप देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हमको समझ में आती है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम अगर कोई कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा, तो हमें उसके लिए कंपाइलर यूज़ करना होता है। कंपाइलर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है ताकि कंप्यूटर उसको समझे, या हाई लेवल लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। कंप्यूटर बेसिकली मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज या 0-1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो आइए देखते हैं कि कंपाइलर जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। लैंग्वेज के आधार पर देखा जाए तो लैंग्वेज जब तीन प्रकार की होती है तो उनके लिए जो एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं वो भी दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो यहाँ हम बात करते हैं कि कंपाइलर क्या होते हैं और उनका काम क्या है। तो कंपाइलर के बारे में अगर हम जानेंगे तो कंपाइलर का बेसिकली काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अगर हम किसी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसी प्रोग्राम का वो अनुवाद कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। जबकि कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर की एक मुख्य विशेषता ये है कि कंपाइलर की स्पीड जो है थोड़ी सी कम होती है, बट ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और उनमें एरर्स भी चेक करता है। अब जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे देखेंगे, जैसे बेसिक, सी, सी प्लस प्लस आदि, इनमें कंपाइलर्स आपको मिलेंगे और कंपाइलर्स पूरे प्रोग्राम को सिंगल टाइम पर कंपाइल करता है, उनमें एरर्स चेक करता है और एग्जीक्यूट करता है। इसकी विपरीत जब आप असेंबलर यूज़ करेंगे या इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं तो इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। ये मुख्य अंतर होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक यही अंतर है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करता है और एरर भी चेक करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है और एरर एक एक लाइन का ही चेक कर पाता है। तो इससे बेसिक अंतर ये होता है कि कंपाइलर थोड़ा स्लो हो जाता है जबकि इंटरप्रेटर फास्ट है। निश्चित सी बात है कि ये ज़्यादा लोड होगा तो कंपाइलर थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा ही। जबकि इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर का काम भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है और इसका भी बेसिक काम सेम कंपाइलर के जैसा ही है, बट ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये देखते हैं कि ये कैसा एग्जीक्यूशन होता है। इंटरप्रेटर का बेसिक काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी सोर्स कोड को एक एक लाइन को वो बारी बारी से एग्जीक्यूट करता है और उनमें एक एक लाइन के एग्जीक्यूशन के साथ साथ उनका एरर भी फाइंड आउट करता है। तो निश्चित सी बात है अगर ये एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हमको मिलेगी। वहीं असेंबलर की बात करें तो इसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल करना, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करना, यानी बेसिक जो हमारा कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन होता है वो ऐसे मशीन लैंग्वेज में ही होता है, चाहे आप असेंबली लैंग्वेज में लिखिए या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखिए, आपको कन्वर्ट उसको मशीन लैंग्वेज में ही
करना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि असेंबलर में निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है। निमोनिक्स एक कोड होते हैं जिनका यूज़ कराया जाता है, लेकिन बाद में उसे जीरो और वन में ही कन्वर्ट करना होता है। तो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए हमें निमोनिक्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। इस प्रकार से हमने असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में भी आज की क्लास में समझा। ओके, थैंक यू।